नमस्कार, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत। सभी भारतवासियों को गणेश चतुर्थी की और गणेश की जो महोत्सव है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 तारीख से 1 तारीख तक ये गणेश जी हमारे यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, आप उनके दर्शन करें और लाभ लें। इससे पहले ई खबर टीम के जो भी हमारे बंधु हैं, जो पत्रकार साथी हैं, लेखक हैं, विचारक हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमें लगातार खबरें भेज रहे हैं और लगातार हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बता दूँ कि ई खबर के साथ जुड़ने पर उनको किसी भी तरह की कोई फीस नहीं दी जाती और ना ही उनसे किसी भी तरह की कोई फीस ली जाती। आप हमारे ऑफिशियल चैनल www.ekhabar.in पर जाएं, वहाँ पर एक पत्रकार कैसे बने या गूगल पर सर्च कर लें ई खबर प्रेस आईडी कार्ड, तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर आसानी से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें क्लियर है कि किसी भी तरह की मेंबरशिप या अन्य शुल्क के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आपकी योग्यता के अनुसार ही भरें। जैसे कि मान लीजिए 10th और 12th पास हैं, वो अपने संवाद सूत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, वो अपने वीडियो जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट है वो रिपोर्टर के लिए, और जो मास्टर प्लस एक्सपीरियंस है वो ब्यूरो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता में आगे कैसे बढ़ें, पत्रकारिता में अपने क्षेत्र में रहकर आगे कैसे काम करें, देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके पास क्या क्या रिसोर्स होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल, आपकी ऑडियो क्वालिटी, आपके यहाँ पर स्टूडियो है या आपका घर है, उसको एक बैठने लायक स्थान बना लें, जहाँ पर आप डे बाई डे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अपने घर में कांच हो गई जिसके सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की, और अपने घर में ही परिवार के सदस्य होंगे उनके सामने वार्तालाप करने की कोशिश करें, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करें, उनसे तत्कालिक मुद्दों पर बात करें। आपके घर में समाचार पत्र पत्रिका आता होगा उसको अवश्य पढ़ें, और टीवी को जो समाचार चैनल है उसमें बदल बदल कर बार बार देखें, और कोशिश करें कि किसी की हायरार्की फॉलो करें, किसी का आप रोल मॉडल, एंकर रोल मॉडल, रिपोर्टर रोल मॉडल, आपका जो भी अच्छा लगता है उसे देखना प्रारंभ कर दें, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें। इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसको सुधार करें, और साथ ही साथ लगातार प्रैक्टिस करते हुए राइटिंग स्किल को सुधार करें। तो राइटिंग में आपको आना चाहिए कि आप खबर को कैसे लिखें, खबर में 5W+1H यानी कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्यों और किसके साथ हुआ, ये सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए। अगर आप खबर में नहीं देंगे तो वो खबर पब्लिश नहीं होगी, इसलिए खबर की हेडलाइन, सब हेडलाइन और इंट्रो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। खबर के साथ एक दो फोटो होने चाहिए। अगर आप ये वीडियो खबर बना रहे हैं तो वीडियो खबर के साथ साथ प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए, प्रॉपर फ्रेम आना चाहिए, और वो हॉरिजेंटल होना चाहिए ना कि आड़ा। इसके बाद उसमें ऑडियो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें, और साथ ही साथ अगर उसमें आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप अपना फेस और मिड शॉट की भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा उसकी स्क्रिप्टिंग भी आप लिख कर भेजें, क्योंकि आपको अगर टाइपिंग नहीं आती तो गूगल इंडिक टूल पर जा सकते हैं, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आसानी से ऑडियो करके भेज सकते हैं। लेकिन भेजने से पूर्व आपको अच्छे से उसे पढ़ना चाहिए, उसके करेक्शन मात्राओं की स्पेलिंग वो सब सुधार कर देना चाहिए। अब इस तरह से आप ई खबर पर अपनी रिपोर्ट्स news@ekhabar.in ऑफिशियल ईमेल आईडी news@ekhabar.in पर भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.ekhabar.in विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दैनिक पेपर राजधानी समाचार, राजधानी खबर, वो हमारा पेपर है और नित्य PDF के रूप में निकलता है, और डिजिटल के साथ साथ पेपर में भी छपता है, और ये ऐसा मात्र पेपर है जो सुबह और शाम दो समय छपता है PDF में, जो आपको WhatsApp पर आपके ईमेल के द्वारा या हमारी ऑफिशियल साइट www.rajdhanikhabar.in पर मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया वाणी राष्ट्रीय समाचार पत्रिका, जिसके साथ हमारी मीडिया पार्टनरशिप है, वो भी आपको मंथली चाहें तो आपको प्रिंटिंग रूप में आपके विशेष आर्टिकल आपको घर बैठे मिल जाएंगे। लेकिन जो दर्शक, जो रिपोर्टर, जो ब्यूरो हमारे साथ चाहते हैं कि उसका सब्सक्रिप्शन करें, उनको डे बाई डे अपने मोबाइल पर, अपने WhatsApp पर, अपने ईमेल पर लगातार उनको ये PDF के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो बहुत नॉमिनल फीस है, 100 रुपये मंथली यानी 1000 रुपये साल का फीस रहता है। वो आप देखकर हमारे राजधानी खबर का जो डिजिटल एडिशन है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ई खबर डिजिटल मीडिया केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट मीडिया हाउस है, जिसमें न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पत्रिका और न्यूज़ पोर्टल के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट है। इस तरह से आगे जाके भविष्य में भी हमारे जो केबल टीवी चैनल पर और सैटेलाइट लाइसेंस के लिए भी बात चल रही है, होने वाले समय पर आपको हमारा एक चैनल है इंडिया आज, उसके साथ टाइप होगा, और उसके बाद लगातार हम आपको लगातार तेज तर्रार खबरें आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और भी कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक मुझे कॉल करें 88-710-22-710 पर, यानी 8871022710 में। आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करूंगा। गोल्डन नंबर है, फिर से नोट कर लीजिए 8871022710, और कॉल करने का जो समय है वो 11 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का विशेष ध्यान रखें,
और संडे को फ़ोन अटेंड नहीं किया जा सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसी शिकायत रहती है कि उनका फ़ोन अटेंड नहीं किया जा सकता, उनके लिए बार बार बता दें कि अगर आपका फ़ोन काटा जा रहा है तो आप समझ लें कि आपको दोबारा कॉल करना है या SMS ड्रॉप करना है, आपको कॉल बैक आ जाएगा, लेकिन बार बार कॉल ना करें। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल बहुत सारे हमारे वेबसाइट पर www.ekhabar.in पर दिए गए हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के ईमेल से वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको माइक चाहिए तो www.ekhabar.in/MIC पर जाएं, या MIC@ekhabar.in को लिखें, वो आपको माइक के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देंगे। अगर आपको प्रेस किट चाहिए तो presskit@ekhabar.in पर आप लिख दें। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप support@ekhabar.in पर लिख दें। आपको कोई हेल्प चाहिए कि आपको करेक्शन कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप help@ekhabar.in पर भेज सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से ekhabar प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे और अपने क्षेत्र से पत्रकारिता कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि केवल पुलिस की पत्रकारिता करें या प्रशासन की पत्रकारिता करें, यह आपकी पत्रकारिता का एक रोल हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी पत्रकारिता सोशल डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता आप करेंगे तो ekhabar उसे अप्रिशिएट करेगा, उसकी उत्साहवर्धन करेगा, आपकी यथासंभव हर मदद करेगा, और साथ साथ में समाज के बीच में, आपके आसपास, आपके प्रशासन में, आपकी पुलिसिंग में कोई भी अव्यवस्था चल रही है या कोई भी ऐसी घटना प्रशंसनीय है उसे भी हम छापेंगे, चाहे वो घटना नकारात्मक हो या सकारात्मक, दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट अगर सूचना देंगे तो हम यथासंभव पब्लिश करेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो ये कोशिश करते हैं कि उनको स्टेट का ब्यूरो मिल जाए, उनको जिले का एडिशन मिल जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी पार्टनरशिप करें, उनको भी प्रोत्साहित करें, उनके साथ हमारा भी विकास हो, उनका भी विकास हो, ऐसी व्यवस्थाएँ भी हमारे साथ हैं। तो आप हमें newspaper@ekhabar.in पर मेल कर सकते हैं, हम यथासंभव आपकी वहाँ पर मदद करेंगे। अधिकांश कम्युनिकेशन हमारा ईमेल के माध्यम से है, हम वीडियो कम बना पाते हैं, लेकिन गणेश जी के आशीर्वाद से आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है जिसमें आप से संवाद हो पाता है। हमारे कुछ कम्युनिकेशन जूम ऐप पर भी हैं जहाँ पर एक घंटे हम 11 से 12 बजे के बीच में आपसे लाइव होते हैं, उसके बीच में आपसे चर्चा होती है, सेलेक्टिव लोग आते हैं उसमें, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 तक लोग होते हैं, वो लोग हमें कम्युनिकेट करते हैं, हम उनको बाकायदा हमारे जो एक्सपीरियंस, जो न्यूज़पेपर के संपादक और जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र में हो रही पत्रकारिता को हम तेज़ी से कैसे करें, अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, और साथ ही साथ हमारे ekhabar डिजिटल मीडिया के साथ काम करते हुए अपने ब्रांड को आगे कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे अपने लोगों के बीच में ले जाएं जिससे कि उनकी खबर का असर तेज़ी से बढ़े। कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो अपनी खबरें देते हैं लेकिन उनका अफेक्टिव नहीं हो पाती, उनकी अफेक्टिवनेस कम होती है। उसके पीछे एक ही कारण है, एक तो उनका राइटिंग स्किल्स, दूसरा उनको जब भी खबर का लिंक प्राप्त होता है तो उनको सोशल मीडिया में, यानी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां संभव हो सके वहां पर शेयर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कंपोज की गई खबर प्रॉपर लिखी होनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप www.ekhabar.in पर जाएं, वहां पर स्टेट कैटेगरी में आपकी संभावित जो भी खबरें वो आपको वहां प्राप्त हो जाती हैं। आप खबर को अच्छे से लिखें, अच्छे से उसको वायरल करें और जुड़े रहें www.ekhabar.in। मैं हूं आपका दोस्त रोष्ट दामोदर सिंह राजावत। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।